जैन साथियों, वीडियो री एग्जाम की तैयारी कैसे करें, पिछली बार कटाप क्या गई थी, कितनी कटाप जाएगी, कौन सी किताब बेहतर होगी, 50 दिन की रणनीति क्या होगी, क्योंकि आपके पास 50 दिन है आज से लेकर, क्योंकि अब वीडियो री एग्जाम की डेट भी क्लियर हो चुकी है कि परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में होनी है। तो आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि अब बहुत बार आपने तैयारी कर ली होगी, अब हमें प्रैक्टिस पर फोकस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर स्कोर कर पाएंगे। कोशिश करेंगे मैराथन क्लास के माध्यम से हम और आप इसे और बेहतर और बड़ा समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप वीडियो री एग्जाम की जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे उतना स्कोर होगा। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर तीन प्रमुख विषय पर फोकस करना, जहाँ पर आपके लिए रीजनिंग, हिंदी, जीएस जी के, और पिछली बार के कटाप की बात करें लगभग 103 की नियर अबाउट कटाप गई थी, 102 दशमलव कुछ कटाप गई थी, 103 कटाप गई थी और 1/2 माइनस मार्किंग थी। इस बार भी हम ये मान के चलते हैं 1/2 माइनस मार्किंग होगी, हो सकता है कि विज्ञप्ति आते आते 1/4 भी हो सकती है, लेकिन जो थी अगर वही मानकर चलें, अगर 1/2 ही मानकर चलते हैं तो स्थिति परिस्थिति क्या होगी, कौन कौन सी किताबें आपके लिए बेस्ट होंगी। कि अब आपके पास समय कम है, इस बेरोजगारी के तंज में अगर आपने वीडियो एग्जाम का फॉर्म आवेदन किया हुआ था पहले और आपने परीक्षा दी हुई थी, यह आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी और अब आपको केवल प्रैक्टिस पर फोकस करना। पेपर का पैटर्न आप देख ही रहे हैं किस तरह से होता जा रहा है, यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर का पैटर्न होगा वो किस आधार पर होगा, एक एक करके हम सारी बातों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में आने के बाद, वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक तो वीडियो को पहुंचाएगा, ताकि सभी व्यक्तियों के सवालों के जवाब मिल जाए और आपके भी सवालों के जवाब मिल जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपके लिए नोट्स भी कितनी किफायती होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं वीडियो एग्जाम के, हमारे मन में हमारे अंदर एक धारणा से आ जाती है, सर इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, इस 50 दिन की जो रणनीति है इस रणनीति का हिस्सा हमें कैसे बनना है, एक एक करके हम बात करेंगे कैसे करेंगे तैयारी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना है, प्रैक्टिस जितना बेहतर करेंगे उतना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग से 50 प्रश्न आने हैं, जीएस जीके यहाँ से 50 प्रश्न आने हैं, और हिंदी से अगर हम बात करें, हिंदी जो आपकी भाषा है यहाँ से 50 प्रश्न आने हैं। समय भी देखा जाए तो यहाँ पर 150 प्रश्न होंगे, जो प्रश्नों की संख्या होगी 150 प्रश्न होंगे। और नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो 1/2 या यूं कह सकते हैं 0.5 नकारात्मक अंक होगा। अभी तक जो पिछले एग्जाम में था, इसकी जो कटाफ की बात करें, इसकी जो कटाफ थी वो कटाफ पिछली बार 102.5 103 के नियर अबाउट गई थी। अब कंपटीशन बढ़ रहा है, ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब कटाफ होगा 110 के आसपास होगा। अब ये उम्मीद लगा सकते हैं अगर आप 110 अंक लेकर आते हैं तो एकदम सेफ जोन में रहेंगे और आपको वीडियो बनने का, ग्राम विकास अधिकारी बनने का जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए अब आपके पास जो समय होगा वो समय है 2 घंटे का, जो समय होगा इसमें मिलेगा वो आपको मिलेगा 120 मिनट। समय आपको 120 मिनट मिलना है, जब समय आपको 120 मिनट मिलना है, प्रश्न आपको 150 करने हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि अब आप कम से कम कोशिश करिएगा कि रिवीजन करिए, रिवीजन जितना कर पाएंगे उतना ही सिलेक्शन ही करीब पहुंच पाएंगे। रिवीजन करना है, प्रैक्टिस पर फोकस करना है। प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, कोशिश करिएगा यूपी ट्रिपल एससी की, चाहे वो लेखपाल की हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी एग्जाम हुई हो, उनको सबसे पहले उनके जो सिलेबस में उसकी पूरे जीएस को, उसकी हिंदी को, उसके रीजनिंग को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको एक पता चल जाएगा एक टॉपिक कि परीक्षा का जो पैटर्न रहा, परीक्षा जो सवाल पूछे गए थे वो किस आधार पर पूछे जाते हैं, क्या उनका नया पैटर्न था। इलानी भी दुर्गेश की तरफ से भी, जैसे अगर आप किताबें पढ़ने का समय नहीं रह गया, अब आप चाहें तो इस 50 दिनों में किताब पढ़ेंगे, कब सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप सबके लिए भी एक टेढ़ी खीर सी हो जाएगी। अब आपको ये फोकस करना, इस बात पर करना है कि हम कितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, उसके लिए नोट्स पढ़ सकते हैं, जो वीडियो के नोट्स हैं जी हाँ वो मैं आपको बता दूं, इलर्निंग विद दुर्गेश के आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में कम समय में आप बेहतर तैयारी करने के लिए आपके पास विकल्प मौजूद होंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर वीडियो के जो नोट्स है वो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जो वीडियो के नोट्स है सबसे ज्यादा आपको स्कोर करना है जीएस जीके पे, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग जो है, देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे स्कोर कर पाएंगे, हिंदी प्रैक्टिस कर, लेकिन जीएस जीके का दायरा बहुत बड़ा है। जीएस जीके में पूरा इतिहास पढ़ना है, तीनों इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, और साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। माने ये 4 टॉपिक आपके लिए इतिहास हो गए। भूगोल में भारत का भूगोल होगा, विश्व का भूगोल होगा, पर्यावरण होगा। माने भूगोल में मैं 3 टॉपिक को पढ़ना है, विज्ञान में मैं पढ़ना है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर होगा, क्योंकि कंप्यूटर भी ग्राम विकास अधिकारी में सवाल पूछे जाते हैं, सिलेबस में भी आपका यूपी स्पेशल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र के साथ करंट अफेयर अपने आप जुड़ जाएगा, जो करंट अफेयर समसामयिकी होगा वो भी उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर भारतीय संविधान होगा, संविधान पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ना, क्योंकि संविधान आपके सिलेबस में है, यहाँ से भी आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान रख लें और समझ लें, क्योंकि आपको इन सभी टॉपिकों पर एक एक करके फोकस करना है, और इसके लिए मैराथन क्लास से फोकस करना है। हम आपके लिए इलर्निंग विद दुर्गेश पर मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं वीडियो री एग्जाम की। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट करके बताइएगा सबसे पहले किन विषयों की तैयारी करेंगे। प्रतिदिन हम मैराथन लेकर आएंगे, जहाँ पे 2 से 3 घंटे में थियरी को
पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर उतना बड़ा आप स्कोर कर पाएंगे। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके वीडियो बताइएगा कि मैराथन क्लास किन विषय की चाहते हैं सबसे पहले शुरू। मैराथन क्लास हम थियरी पर फोकस करेंगे, क्योंकि जितना थियरी आप पढ़ेंगे उतना स्कोर आपका बेहतर उतना बड़ा होता जाएगा। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस वीडियो का जवाब जरूर देंगे। आगे हम चलते कर आगे हम बात करें कि इसमें हम लोगों ने देख लिया कि कैसे तैयारी करें। तैयारी करने के लिए एक दिन में इस समय आप 8 घंटे निकालिए। अगर 8 घंटे आप प्रतिदिन दे रहे हैं 50 दिन में आपके पास 400 घंटे हो जाएंगे। इस 400 घंटे में आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो मास्टर वीडियो होगी, जो आपके लिए मैराथन वीडियो होगी, आप जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी हो गया, या इसको 10-10 घंटे में कंप्लीट पूरे विषय को पढ़ डालिए। तो अगर आपके पास विषय की बात करें तो लगभग 15-20 ऐसे तैयार होंगे जो रीजनिंग जीएस जीके हिंदी यूपी स्पेशल मिलाकर बनेंगे, माने 150 घंटे होंगे। और आपको 250 घंटे प्रैक्टिस पर देना है। प्रैक्टिस के लिए आप मार्केट से बहुत सारी किताबें विषयवार इसकी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे कि कौन से वीडियो कौन से विषय की कौन कौन सी किताबें आपको बाजार से खरीदनी है उसको ऊपर फोकस करना है। वो क्योंकि आपके प्रैक्टिस करनी है, देखिए मैं फिर से बताऊंगा, प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना। वैसे भाई आपकी नौकरी करनी है, आप अपने हिसाब से भी अपनी रणनीति बना सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप भी चाहेंगे तो हम आपके साथ मिलकर इस नए सेशन की शुरुआत करेंगे। अगर आप चाहते हैं वीडियो के डेली क्लास में जुड़े रहने के लिए तो सबसे पहला काम आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के। जैसे टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहां पर सभी क्लास की वीडियो आपको निःशुल्क मिलेगी, सभी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी। घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस की भी सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम भी आपके साथ वीडियो के साथ कंधा कंधा मिलाकर चले, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा उन सभी अभ्यर्थियों तक जो वीडियो री एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं। जीएसजी की रीजनिंग हिंदी तीन एक ऐसे अहम आधार स्तंभ हैं जो आपको सिलेक्शन के एकदम करीब पहुंचा सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर की सीरीज शुरू होने जा रही है लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहां खुद भी जुड़िएगा, अपने साथी मित्रों को जुड़िएगा, ताकि आपके सभी साथी मित्र आपके साथ जुड़कर डे बाय डे अपनी तैयारी को बेहतर और बड़ा कर सके। हम आपके साथ हैं, आपकी हमारी टीम आपके साथ है, और मेरी क्लासेज जो होंगी वो पूरी तरह से निःशुल्क होंगी। आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा साझा करिएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करिएगा, पेज को फॉलो करके रखिएगा। अगर आपके कोई व्यक्तिगत सवाल है लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। 50 दिन की पक्की रणनीति के साथ हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं अगले दिन से इसकी मैराथन सेशन के साथ वीडियो री एग्जाम की, अब की बार एक सीट हमारे की तैयारी। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं इस सेशन में, हमारे साथ बने रह सकते हैं, और आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। मेरी क्लासेज जो होंगी आप सभी को पूरी तरह से निःशुल्क देशित में राष्ट्रित होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो री एग्जाम के नए सेशन के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा आपकी तैयारी कितनी है, आपका क्या सुझाव है, और आप कैसे चाहते हैं कि 50 दिन की तैयारी हम आपके साथ मिलकर कैसे करें। अगर आप 400 से 500 घंटे अपने आप को दे देते हैं, अगर एक दिन में 10 घंटे अगर आप निकालते हैं, तो 500 घंटे अगर आपने वीडियो री एग्जाम दे दिया तो आपके घर में आपके परिवार में इस बेरोजगारी का दंश खत्म हो जाएगा, और आप अपने परिवार के लिए नौकरी की सौगात इस साल में दे सकते हैं। एक मौका आपके लिए है, एक समय है जो आपकी तरफ मुड़ा है। अगर आप वीडियो री एग्जाम का हिस्सा है तो इस बार संकल्प लीजिएगा कि नौकरी अपने परिवार के कदमों में देकर छोड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नकारात्मक अंक के लिए मैंने ऊपर यहाँ बता दिया, देखिए मैंने नकारात्मक अंक के लिए बता दिया है, नकारात्मक अंक के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है 1/4 भी हो सकता है संभावना 1/4 होने की, लेकिन ये क्या होगा ये नहीं पता अभी फिलहाल के लिए, लेकिन ये 1/2 के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कोई सवाल है तो पूछ। एक किताब के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस सेट आप मार्केट में उठाइए, रीजनिंग की जैसे आरके झा की किताब है, अरिहंत की रीजनिंग के लिए बेस्ट किताब, वो पूरा उसको अगर आपने प्रैक्टिस कर डाला तो वो अगर चाहेंगे तो एक हफ्ते में पूरा रीजनिंग सॉल्व कर डालेंगे। फिर जीएसजीके की बात करें तो UP SSC की प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व करिए जीएसजीके के लिए। अब बात करें हिंदी की तो UP SSC की जो प्रीवियस ईयर पेपर पड़े उसको फोकस कर लीजिए, तो इससे आपको रफली आइडिया मिल जाएगा। फिर आदित्य प्रकाशन की हिंदी आती है, लूसेंट की हिंदी आती है, MCQ उसको सॉल्व कर डालिए, क्योंकि GS अपने आप में खुद ही ब्रॉड है, तो GS को कोशिश करिए कि इसकी थ्योरी एक बार और पढ़ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अगर जाएं तो बेहतर और बड़ा स्कोर करें। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात मेरी इस वीडियोस के माध्यम से सब कुछ सारी बातें समझ में आ गई, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो री एग्जाम के लिए कौन से विषय की शुरुआत चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में जाइए और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सपना पूरा करना अपने परिवार का।